आदत है हम हमारे चैनल हम कौन ऑफिशियल चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। बाबरी मस्जिद पर फैसला बहुत जल्द आने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने एक बयान जारी करते हुए देश भर के तमाम मस्जिदों के इमामों और जिम्मेदारों और आवाम से यह अपील की है, आप तमाम लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं कि अयोध्या का मसला आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और संवेदनशील मसला है, जिस पर न सिर्फ पूरे मुल्क की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी निगाहें लगी हुई है। लिहाजा हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अदालत का जो भी फैसला आए उसका सम्मान करें और हर हाल में अमन कायम रखें। जामे मस्जिद ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद ने कहा कि मस्जिदों के इमाम अपनी तरीकों में मुसलमानों से ये भी अपील करें कि फैसला आने के बाद न नारेबाजी करें न ही कोई विरोध प्रदर्शन करें, साथ ही किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली कोई बात न करें, साथ ही अपने मुल्क की कौमी एकता गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिकता सौहार्द पर कोई भी आंच न आने दें। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मसले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति होने से पहले पहले वो अपना फैसला सुना देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे 17 नवंबर को।